हेलो फ्रेंड, ग्रुप डी से संबंधित एक बड़ी खबर आई है। जो पिछली सरकार में 18,000 से ज़्यादा ग्रुप डी के कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, अब उनको विभाग बदलने से संबंधित हरियाणा सरकार ने नोटिस जारी किया है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप डी में भर्ती हुए पढ़े लिखे युवाओं को अब योग्यता के आधार पर काम, यानी जो योग्य है उनका विभाग के ट्रांसफर से संबंधित ये खबर आई है। ज़्यादा जानकारी के लिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। हरियाणा में पढ़े लिखे खासकर डॉक्टरेट यानी जिसने पीएचडी किए युवाओं को माली, नाई, धोबी और कुक के पदों की नियुक्तियां मिलने पे हुए बवाल के बाद सरकार को उसकी योग्यता के आधार पर काम देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार ने इन कर्मचारियों को विभागों के पुनः आवंटन कर दिया है और साथ ही उन्हें पदों की पुनः पदनामित किया है। सभी संबंधित कर्मचारियों की नए विभागों में तुरंत या 3 कार्य दिवस के भीतर ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी इन युवाओं को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS किया है। यानी जिन युवाओं को 18,000 से ज़्यादा पदों में सिलेक्शन है उनके मोबाइल पर मैसेज आया है। साथ में इन प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों से संबंधित ग्रुप डी के कर्मचारियों को तुरंत रिलीव करने के निर्देश दिए हैं। यानी जो ग्रुप डी के कर्मचारी जो अपना और कहीं तबादला करवाना चाहते हैं तो उस संबंधित जो पिछला विभाग है उससे संबंधित उनको तुरंत रिलीव करने का आदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले कार्यकाल में आखिरी दिन में ग्रुप डी के करीब 18,000 नियुक्तियां की थी। उस समय कांग्रेस ने लो और अब में साझीदार जजपा ने पढ़े लिखे युवाओं को माली, नाई, कुक और धोबी में काम लेने के लिए आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत जुलाई में ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए विभागीय पद बदलने का मौका देने का फैसला किया। इन युवाओं ने भी सरकार के सामने मुद्दा उठाया था। ये आप देखिए, ग्रुप डी में करीब 18,000 युवाओं की गई थी भर्ती। करीब 5,000 कर्मचारी ने किए थे आवेदन, जो जिसने विभाग बदलने के लिए करीब 5,000 युवाओं ने कर्मचारियों ने आवेदन किया था कि उनका विभाग बदला जाए। विभिन्न विभागों में कुल 4,968 कर्मचारियों ने अपने पद या विभाग बदलने के लिए पंजीकृत करवाए थे। उस समय बार बार के पद पर कार्यरत 58 आवेदकों में 43 आवेदकों ने अपनी पसंद के अनुसार अन्य पद आवंटित करने में सफल हुए हैं। पहले जिन 336 आवेदकों ने कुक पद के लिए आवेदन किया था उनमें से 252 आवेदकों को अन्य पद आवंटित हुए। इसी तरह वर्तमान में बतौर मालिक कार्यरत 257 में से 167 उम्मीदवारों को अन्य पद दिए गए हैं। विपक्ष के बवाल के बाद हरियाणा सरकार ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री सीएम के निर्देश पर बनाए गए पोर्टल यानी पोर्टल पर अपना पंजीकरण दोबारा उपलब्ध करा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशन इस तरह आग्रहों को निपटारा करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को पद या वन विभाग के पुनः आवेदन के लिए अपना आग्रह उस पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कराने के लिए पद या विभाग बदलने के लिए अपने विकल्प देने के निर्देश दिए गए थे। पद और विभाग दोनों अथवा केवल पद या विभाग बदलने के लिए कुल 3,412 कर्मचारियों का आग्रह या पोर्टल में स्वीकार किया गया था। मौजूदा पद या विभाग से संबंधित आवंटित किए गए पद या विभाग से संबंधित इन कर्मचारियों को सूची पोर्टल पर 9 दिसंबर से उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो ये 18,000 से ज़्यादा पदों के लिए थे, उसके विभाग बदलने से संबंधित जानकारी थी। अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे देने।